नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, 02-2300-1634। इसके अलावा आप 02-2300 के अलावा आप 02-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे सोने और चांदी की, जहां पर अच्छी तेजी लौटती हुई दिख रही है। शाम के कारोबार में चांदी का भाव करीब 2000 रुपए तक बढ़ चुका है, 69,000 के ऊपर चला गया है सिल्वर का भाव। और आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी के दाम $27 के आसपास हैं। और गोल्ड में भी अच्छी तेजी आई है, गोल्ड का भाव 300 रुपए से ज्यादा बढ़ा है, 52,500 रुपए के ऊपर है गोल्ड, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $1965 के ऊपर गोल्ड में ट्रेड हो रहा है। तो अच्छी तेजी के साथ शाम के कारोबार में सोने चांदी में ट्रेड हो रहा है। अब सवाल यह है कि शाम के कारोबार में आपको करना क्या है सोने चांदी में, और ये बताने के लिए हमारे साथ अनुज गुप्ता हैं एंजल कमोडिटी के। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल मेरा आज चांदी के ऊपर होगा। चांदी में अच्छी तेजी है, अच्छी रैली है, क्या किया जाए इवनिंग ट्रेड में चांदी में? मृत्युंजय जी, गुड इवनिंग। देखिए, इन लेवल्स पे अगर देखें तो बाई के लिए जो रिस्क रिवॉर्ड है वो फेवरेबल नहीं है, क्योंकि हमने जो लास्ट वीक करेक्शन आते हुए देखा था और वीकली जो हमने क्लोजिंग है, काफ़ी समय के बाद हमने इस वीक में जो नेगेटिव क्लोजिंग देखी है, वो ये इंडिकेट करता है कि जो काफ़ी महीने से एक तेजी बनी हुई थी, वहाँ पर ब्रेक लगता हुआ दिखाई दिया है, एक प्रॉफिट बुकिंग रही है। हालांकि ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, बट जो हायर लेवल्स पर जो बाइंग थी वो वहाँ पर रुकते हुए दिखाई दी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर फिलहाल अभी खरीदारी से यहाँ पे बचना चाहिए। अगर किसी को ट्रेड ही करना है और कंपलसरी ट्रेड करना है तो थोड़ा बिकवाली का ट्रेड यहाँ बना सकते हैं, करीबन 59,300-59,400 के आसपास बिकवाली करके चलें, 70,700 का स्टॉप लॉस लें। टारगेट नीचे करीबन हमें लगता है कि 66,000-67,000 तक आ सकते हैं। बाइंग करने के लिए 66,000-65,000 के लेवल उच्चतम है जहाँ पर बाय कर सकते हैं, मगर करंट लेवल मुझे लगता है कि बाई से भी बचना चाहिए, क्योंकि मार्केट इन लेवल्स पे मुझे लगता है कि थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा और हो सकता है कि थोड़ा सेलिंग प्रेशर यहाँ पर देखने को मिले। तो हमें लगता है कि इंट्राडे के लिए बिकवाली का ट्रेड बनाया जा सकता है। तो आप आप कह रहे हैं कि ताजा भाव पर खरीदे नहीं बेचे। बीरेन जी, आपका क्या मानना है? 69,148 ये एमसीएक्स पर चांदी का ताजा भाव है, इस भाव पर क्या किया जाए? इस भाव पे छोटे से स्टॉप लॉस से बाय करना चाहिए, और जो बाइंग लेवल है उसे करीबन 700-800 रुपये का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। टारगेट हम 70.705 रख सकते हैं, बट ये एग्रेसिव कॉल है, इनको बिना ट्रेड चलता ही नहीं है, उनके लिए कॉल है। अच्छा, मतलब जिनको बिना ट्रेड नहीं चलता है वो ले सकते हैं, लेकिन जिनको बिना ट्रेड चले वो ना ले ट्रेड, ये कह रहे हैं आप? उनको थोड़ा वेट करना चाहिए, सिल्वर में थोड़ा डीपर करेक्शन शायद आएगा। ये बात तो ठीक है कि चांदी का मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है कंपेयर टू गोल्ड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गोल्ड की। गोल्ड में इस वक्त 300 रुपए से ज्यादा की तेजी है, 52,539 ये एमसीएक्स पर गोल्ड का ताजा भाव है। अनुज जी, गोल्ड में क्या करें आज? 52,500 के ऊपर कोई ट्रेड बन रहा है क्या इंट्राडे के लिए? देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में 1953 के लेवल चल रहे हैं, हमें लगता है कि 1960 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा, जहाँ पर हमें लगता है कि वहाँ पर एक सप्लाई जोन बन सकता है, भी सेलिंग प्रेशर वहाँ पर आ सकता है। हमें लगता है कि यहाँ पर भी बिकवाली का ट्रेड ही लेना चाहिए, करीबन 52,700-52,800 के आसपास बिकवाली करके चलें, स्टॉप लॉस 53,300 का लगेगा, टारगेट करीबन 52,100 तक आ सकता है। तो यहाँ पर भी हमें लगता है सेलन राइज का मार्केट रहेगा, यहाँ पर भी बाइंग के लिए करंट लेवल पे फेवरेबल नहीं है स्टॉप लॉस और टारगेट, तो बेटर है कि या तो ट्रेड ना करें, बट अगर ट्रेड करना है तो यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड मुझे लगता है कि यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि एक तो पहला ऑप्शन तो ये कि आप गोल्ड में भी ट्रेड ना लें, दूसरा ये कि अगर लें तो बिकवाली का लें। बीरेन जी, आपका क्या मानना है गोल्ड पर? गोल्ड में बाइंग सेटअप अच्छा है, यहाँ 52,200-52,500 के बीच ट्रेड बाई किया जा सकता है, 51,800 के स्टॉप लॉस से।
अप साइड में 5,200-5,300 मिल सकते हैं। तो ये सर इंट्राडे के लिए है या पोजिशनल है? नहीं नहीं पोजिशनल पोजिशनल। अच्छा आप तो इंट्राडे जल्दी बताते नहीं है, ठीक है। पोजिशनल ट्रेड में इंट्राडे में अनु जी ने बोला कि आप ना करें तो ज्यादा बेटर है, और पोजिशनल अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो बीरेन जी का मानना है कि आप बाई करके चलें, इसमें पोटेंशियल है, तेजी की गुंजाइश है, तो आपको फायदा हो सकता है। तो ये राय आपके लिए गोल्ड और सिल्वर के ऊपर जहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं। एक सवाल मेरा बीरेन जी आपसे और होगा कि क्या इन्वेस्टर को अपना मन अभी बदलना चाहिए क्या? गोल्ड और सिल्वर में जिस तरह से उठापटक का माहौल बना, क्या इस उठापटक से अभी ना घबराएं? और जो लंबे समय के निवेशक हैं और जो 56,000 के भाव पर गोल्ड नहीं ले पाए हैं, उनको क्या 52,000 के भाव पर गोल्ड में निवेश कर देना चाहिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसकी जो ओरिजिनल स्टोरी है वो अभी भी बरकरार है। मैं नवंबर के पहले यानी ट्रंप साहब की इलेक्शन के पहले गोल्ड करीबन 57,000-58,000 को छुएगा, उसमें मैं अभी भी कॉन्फिडेंस रखता हूँ। इसका जो सपोर्ट रहेगा वो करीबन ये 50,000 जो हमने लास्ट वीक में जो बॉटम सेल ऑफ देखा था वो फिलहाल सपोर्ट बन चुका है। और ट्रंप साहब तो चुनाव की तारीख बढ़ाने की वकालत कर रहे हैं, तब क्या होगा? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का जहाँ तक सवाल है यूएसए का तो उसमें कोई चेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का उसमें वो अप्रूवल चाहिए और मुझे नहीं लगता कि इसमें अच्छा। कोई बदलाव होगा। बीरेन जी पॉलिटिक्स पर भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी अच्छी पकड़ रखते हैं, बढ़िया बात है सर। ठीक है, तो ये राय निकल कर आ रही है गोल्ड और सिल्वर में, तो गोल्ड के ऊपर कॉन्फिडेंट है बीरेन वकील जी, इनका मानना है कि इन्वेस्टमेंट तो अभी करना ही चाहिए, और ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं गोल्ड में तो आपके लिए बाइंग की ही कॉल बनेगी। तो ये बात हो गई गोल्ड और सिल्वर की। गोल्ड सिल्वर के अलावा एक और महत्वपूर्ण खबर आई है, और खबर आई है कॉटन को लेकर, कपास को लेकर, और कपास पर जो उत्पादन का अनुमान है, नया अनुमान आया है कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से, और ये अनुमान 19 लाख गांठ बढ़ाया गया है, मतलब उत्पादन का, और 2019-20 में अब 354 लाख गांठ से ज्यादा उत्पादन का अनुमान जताया गया है, जबकि पिछला अनुमान जो कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का था वो करीब करीब 335 लाख गांठ का था, तो उसमें करीब 19 लाख गांठ की बढ़ोतरी हुई है। तो पूरे सीजन में जो खपत है वो 250 लाख गांठ की है। तो अब सवाल यह है कि जो उत्पादन का अनुमान बढ़ाया गया है, ऐसे में आने वाले समय में डिमांड के मुकाबले सप्लाई क्या रहेगी और प्राइस क्या रहेंगे? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं अतुल गणात्रा, जो कि प्रेसिडेंट हैं कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। गणात्रा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये अनुमान जो आप लोगों ने बढ़ाया है, अभी आपको क्या दिखा कि आपने अनुमान बढ़ा दिया? जी देखिए, हमने ये अनुमान क्रॉप का अभी नहीं बढ़ाया है मृत्युंजय जी, ये हमारा ओरिजिनल कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का प्रोडक्शन का एस्टीमेट 354.50 लाख बेल्स था, मगर लॉकडाउन के चलते हमें ऐसा लगा था कि कपास जिनिंग फैक्ट्रियां बंद है तो शायद कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, इसलिए हमने प्रोडक्शन का फिगर कम किया था। मगर सीसीआई की खरीदी चालू रहने से फार्मर के पास जितना भी कपास था उतना मैक्सिमम कपास इस साल में ही आ गया, इसलिए हमने फिर से हमारा जो प्रोडक्शन फिगर था वो बढ़ा के 354.50 लाख बेल्स कर दिया। अच्छा, तो ये बताएं आपके पूरे साल में जितनी डिमांड है हमारी और जो सप्लाई आप बता रहे हैं, क्या डिमांड को मीट करने के लिए, डिमांड को फुलफिल करने के लिए सप्लाई पर्याप्त होगी या उसमें कुछ कमी बेसी होगी? जी देखिए, हमारा जो प्रोडक्शन है वो बहुत काफी इस साल अच्छा रहा है, कैरी फॉरवर्ड भी अच्छा था, मगर इस साल हमारे पास कैरी फॉरवर्ड स्टॉक जो है वो 102 लाख बेल्स 30 सितंबर को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जो इंडियन कॉटन की हिस्ट्री में कभी इतना बड़ा स्टॉक कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है। वो इतना बड़ा स्टॉक है कि आने वाले सितंबर के बाद 4-5 महीने भी मिल वाले ये जूने माल पे मिले चला सकते, इतना स्टॉक हमारे पास ज्यादा है। और ये स्टॉक बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है कि जो हमारा कंजम्पशन है वो 331 लाख बेल्स एक्सपेक्टेशन था, वो इस साल सिर्फ 250 लाख बेल्स का रह जाएगा,
क्योंकि लॉकडाउन की लास्ट 6 महीने के लॉकडाउन की वजह से अप्रैल महीने में मिले 100% बंद थी और उसके बाद कहाँ कहाँ पे 50% 60% 70% स्पिनिंग मिले चली है, तो हमारा कंजम्पशन 80 लाख बेल कम होने से हमारे पास जो स्टॉक है वो बहुत ज्यादा हो गया है जी। मृत्युंजय जी, तो प्राइस क्या क्रैश होगा फिर, क्योंकि आप बता रहे हैं कि डिमांड बहुत कम होगी, सप्लाई बहुत ज्यादा होगी, तो दाम क्या होंगे फिर? देखिए प्राइस तो कम हो जाते हैं, एकदम क्रैश हो जाते हैं, मगर एक इस साल एक अच्छी चीज हो गई कि पीसीआई और महाराष्ट्र फेडरेशन ने, गवर्नमेंट ने हमारा करीब करीब 35-36% प्रोडक्शन जो आता है वो उन्होंने खरीदी किया है। तो अभी जो स्टॉक है हमारे पास जो हम बताते हैं 102 लाख बेल्स कैरी फॉरवर्ड करेगा, उसमें 80-90 लाख गांठ गवर्नमेंट के पास ही स्टॉक कैरी फॉरवर्ड होगा, तो वो अगर कैसे सेल करते हैं उसके ऊपर मार्केट रहेगा। अगर ये कॉटन अगर जीनर्स के पास या स्टॉकिस्ट इंडियन मिल के पास या किसी के पास होता तो अभी तक ये मार्केट क्रैश होके 30,000 हो जाता, मगर थोड़ा अच्छा है कि स्टॉक जो है वो गवर्नमेंट के हाथों में है, तो इसलिए मार्केट फिलहाल तो अभी थोड़ा स्टडी होके 34,000-35,000 के भाव स्टडी हुए हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप अतुल गनात्रा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कॉटन के ऊपर डिटेल में बताने के लिए कि आगे डिमांड क्या रहेगी, सप्लाई क्या रहेगी और प्राइस क्या रहेगा। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि आज के लिए आप और कहां पर ट्रेड कर सकते हैं, क्रूड का मार्केट आपको अनुज जी अभी कैसा लग रहा है? देखिए मित्र जी, लास्ट वीक हमने एक अच्छा मोमेंटम आते हुए देखा था, हमें लगता है कि क्रूड के अंदर खरीदारी करके चलना चाहिए। अभी 4142 के लेवल है, अगर यहाँ से 15-20 रुपए भाव करीबन 3100-3120 के आसपास आते हैं तो वहाँ खरीदारी कर सकते हैं। इंटरेस्टली देखें तो $41 के ऊपर कंटिन्यूसली मार्केट ट्रेड कर रहा है और एक सपोर्टिव फैक्टर बनाता हुआ जा रहा है, कि लेवल्स बनाते हुए जा रहा है, तो 3100-3120 के आसपास खरीदारी करके चलें। स्टॉप लॉस 3040 का रहेगा, टारगेट करीबन 3190-3200 तक हो सकता है। हमें लगता है कि यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी क्रूड में यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेटल का मार्केट बीरेन जी अभी आपको कैसा लग रहा है और मेटल में कोई टॉप पिक आपको दिख रही हो इंट्राडे ट्रेड के लिए या फिर पोजिशनल ट्रेड के लिए? मेटल्स सारे के सारे वैसे अच्छे लग रहे हैं, कॉपर फ्रंट रनर है, चाइना ने जो लिक्विडिटी इंक्रीजन किया तो उसमें हल्की सी बाइंग आई है और आगे भी ये बरकरार रहेगी। यहाँ 512 पे बाई किया जा सकता है, अगस्त का कॉपर 517 का इनिशियल टारगेट होना चाहिए और कोई पोजिशनल है तो 520 का भी रख सकता है, स्टॉप लॉस 509 का होगा। ठीक है, और अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है राहुल जैन का अलवर से, पूछिए जैन साहब। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि पहले भी 75 तक आके और चांदी ने एकदम बबल फूटा था 2011 में, और अभी भी चांदी पिक पे आने के बाद सभी बोल रहे थे कि ये बहुत आगे जाएगी, जम करेगी और एकदम पूरा क्रश हो गया बाजार, तो सर ये ऐसा नहीं हो कि वापिस से हम पहले फंसे हुए और फंस जाए? ये चांदी में तो ये रिस्क रहता है, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और हमने भी कई बार ये बात कही है। हमारे यहाँ जो एक्सपर्ट आते हैं वो उनका सीधा कहना है कि चांदी रिटेल इन्वेस्टर के लिए नहीं है, बहुत दो टूक राय दी गई है कई बार क्योंकि ये बहुत वोलेटाइल होता है। बीरेन जी आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे? मैं ऐसा मानूंगा कि ये लास्ट टाइम का जो रिपीटेशन है वही रिपीटेशन होगा इस बार भी, लेकिन उसका टाइम अभी पक्का नहीं है, वो रिपीटेशन 2022-23-24 के आसपास होगा, क्योंकि बुल ट्रेंड एक बार शुरू होता है ना तो 3 महीने में खत्म नहीं होता, अभी तो ये मार्च में ही शुरू हुआ है। लास्ट टाइम जब वो बात करते थे तब 75 का 75 हुआ था, लेकिन उसने टाइम 2.25 वर्ष का लिया था, तो अभी तो ये 4 महीने में डबल हो गया और एक हेल्दी करेक्शन जो लास्ट वीक हमने देखा 16,000 का, उसमें जो कमजोर लोग थे वो उतर गए हैं, तो वो इट इज अ पार्ट ऑफ वेरी हेल्दी करेक्शन, ये पार्टी एटलीस्ट 2020 में खत्म नहीं होगी। हाँ ये बात तो ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ओके ठीक है, चलिए इस पर हमारी नजर रहेगी। अनुज जी नेट, अच्छा इस बीच अभिषेक जुड़ रहे हैं कानपुर से, पूछिए अभिषेक जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए।
हमारे प्रश्न वकील साहब से है। हमने सोना खरीदा था 53,000 में हाजिर, और चांदी खरीदी है 63,000 में एक महीने पहले, और हमें सलाह, कृपया उचित सलाह दीजिए कि चांदी 63,000 में हाजिर में, और कृपया वकील साहब से प्रश्न है कि उचित सलाह दें कि क्या करें। आपने कहा था कि 4 महीने का उपवास रखिए और बड़ा प्रॉफिट होगा। ठीक है अभी तो बहुत लंबा वक्त बचा है। बताइए बीरेन जी, 53,000 पर गोल्ड और 63,000 पर चांदी इन्होंने बाई किया है, क्या सुझाव है आपका? इसकी ब्यूटी ये मार्केट की क्या है कि हम जब एफडी करते हैं ना बैंक में, तो दूसरे दिन से हम इसका ब्याज नहीं गिनते, हम 6 महीने के बाद इसका ब्याज गिनते हैं। तो मैं जब ट्रेडर और इन्वेस्टर का देखता हूँ ना, तो लोग आते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए कि मुझे लॉन्ग टर्म करना है, बट दूसरे दिन मार्केट अनफेवर जाए ना तो सब बहुत फेवर बन जाते, रोज भाव देखने लगते। जहाँ तक ट्रेड का सवाल है या व्यू का सवाल है, तो करेक्शन बीच बीच में आते रहेंगे, बट ये मैंने कहा कि पार्टी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। ये पार्टी तब खत्म होगी जब यूएस के इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, प्लस होना होगा, स्टिमुलस अनविंड होगा, और ये कोई आसार अभी फिलहाल नहीं दिख रहे हैं कि ये स्थिति बदलेगी। अभी वॉर का तनाव काफी जगह है, बढ़ता जाएगा। ठीक बात। चलिए अगला सवाल मुंबई से है, पूछिए। सर नमस्कार, मुझे गोल्ड फ्यूचर में बाय करना है और अनुसर ने सेल कॉल दिया है, तो ये 52,200 ये आज आएगा या एक दो दिन का है, मेरे को बाय करना है। अच्छा, आपको बाय करना है। देखिए भाव बढ़ भी गया है, 52,600 के ऊपर चला गया। अनु जी बताइए, आपका बाइंग का लेवल आएगा भी या नहीं आएगा? देखिए मुझे लगता है कि एक दो दिन में आपको ये लेवल देखने को मिलेगा, तो 52,200-52,000 के आसपास ही आप खरीदारी करें तो वो लेवल अच्छा रहेगा। जहां पर आप बाइंग करेंगे तो वहां से आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, उस लेवल तक आप वेट करिए। अब बात करते हैं नेचुरल गैस की। मार्केट थोड़ा नीचे है, 176 रुपए के आसपास है, और मामूली गिरावट है। काफी एक्शन हमने पिछले दिनों नेचुरल गैस की कीमतों में देखा है, क्या लगता है अनुज जी आपको एनजी में भी? देखिए नेचुरल गैस में हमने वीकली काफी समय के बाद वीकली क्लोजिंग पॉजिटिव होते हुए देखी है। पिछले 2 हफ्ते से कंटिन्यूस एक अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। हमें लगता है कि नेचुरल गैस में जो ट्रेंड रिवर्सल हुआ है वो आगे कंटिन्यू रह सकता है, तो नेचुरल गैस में 172 के आसपास खरीदारी करके चलें। स्टॉप लॉस 167 का रहेगा, टारगेट 179-180 तक देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर बाय का ट्रेड बनाना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है पंकज जैन का रतलाम से, पूछिए पंकज जी। सोयाबीन में क्या करना चाहिए? सोयाबीन में क्या करना चाहिए? बीरेन जी बताइए, सोयाबीन का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है आगे? हल्की सी सपोर्ट उसको मिलेगी, मेन ड्राइवर है और मस्टार्ड है। मस्टार्ड में काफी स्ट्रॉन्ग तेजी है, आगे भी बरकर रहेगी, तो मस्टार्ड के पीछे पीछे सोयाबीन को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। बट ये ज्यादातर मैं बुलिश नहीं हूँ इसमें, करंट भाव से ले सकते हैं सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 3730 में, और 3770-3775 में छोटा सा 40-50 रुपए का प्रॉफिट करके निकल सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि मस्टर्ड में जो तेजी रहेगी उसका सपोर्ट सोयाबीन को थोड़ा बहुत मिलेगा। अगला सवाल है कुशरत का, हाँ पूछिए। खुशवंत, अच्छा खुशवंत साहब पूछिए। हेलो, आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है जी, जी सुन रहा हूँ, पूछें। हाँ हमारा क्वेश्चन था कि चांदी के लिए जो भाव है अभी, एक अच्छा है कि अभी सेल का भाव चल रहा है या बाय का चल रहा है? बाय का भाव चल रहा है कि सेल का भाव चल रहा है? अनुज जी बताइए आपके हिसाब से कौन सा भाव चल रहा है, ये बाइंग का भाव या सेलिंग का भाव? देखिए हमारे हिसाब से हमें लगता है कि अभी खरीदारी तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अभी ठीक नहीं है। अगर आपको खरीदारी ही करना है तो थोड़ा वेट करें, भाव 65-66 हज़ार के आसपास मिले तो वहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं, और अगर आपको इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करना चाहते हैं तो हमारी राय में यहाँ से बिकवाली का ट्रेड बनाया जा सकता है।
ठीक है, ओके, इस पर आप नजर रखें, बिकवाली का ट्रेड आप लेकर चल सकते हैं, ये अनुज जी का कहना है। ओके बीरेन जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि चने का मार्केट अभी आपको एग्री में कैसा लग रहा है? आज हमने अच्छा एक्शन देखा, क्या अभी और तेजी बाकी है चने में? चना में डिमांड ड्रिवन मार्केट है ये, अब तक ये उम्मीद की तेजी रहती थी, दो चार दिन से इसमें डिमांड की तेजी आ रही है, पिछले दो तीन वीक से मैं इसमें बाय कॉल दे रहा हूँ पोजिशनली, और आगे मैं 46-47 देखता हूँ इसको एक आध महीना में, दिवाली के पहले शायद हम इसको 48,000 के बीच भी शायद देखेंगे, डाउन साइड इसमें काफी लिमिटेड है, अपसाइड काफी अच्छी। ठीक है ठीक है, अगला सवाल है अशोक कुमार का, पूछिए अशोक जी। सर नमस्कार जी, संजय जी नमस्कार, पूछिए। हेलो, नमस्कार नमस्कार, पूछिए। हाँ जी, मैं ग्वार और चने के बारे जी, ऊपर नीचे क्या जा सकता जी? ठीक है, चने में तो अभी बीरेन जी ने बताया कि अच्छी तेजी है, आगे 4800 का भाव आपको दिख सकता है, ग्वार पर आपने पूछा है। अनुज जी बताइए, ग्वार का मार्केट कैसा लग रहा है आपको? आज तो अच्छी तेजी के साथ बंद हुआ है। देखिए ग्वार में भी ट्रेंड पॉजिटिव रहा है और आज अच्छी रिकवरी हुई है लोअर लेवल से, तो हमें लगता है कि बाइंग साइड में ही रहना चाहिए, ऊपर में टारगेट करीबन 4120 से लेकर 4150 तक देखने को मिल सकता है, और अगर 4150 का लेवल ब्रेक होता है तो आपको नया टारगेट 4300 तक देखने को मिल सकता है, तो ग्वार सीड और ग्वार गम दोनों ही पैक के अंदर बाय का ट्रेड आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये राय आपकी है ग्वार के ऊपर। अगला सवाल है एक ऐसे शख्स का जिनके सवाल के बिना हमारा ये शो पूरा नहीं होता है, वो हमारे रेगुलर कॉलर हैं और सबसे बड़ी बात है कि इनकी कभी ये शिकायत नहीं रहती कि इनकी कॉल लगती नहीं है, जब भी कॉल करते हैं लग जाता है। चौथा राम जी हैं और चौथा राम जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हमारी पीसीआर की टीम सब इनसे वाकिफ है, ये सिर्फ अपना नाम बताते हैं और हमारी जो टीम है वो इनका एड्रेस जानती है, कहाँ से बोल रहे हैं, किस कम्युनिटी पर पूछना चाहते हैं। चौथा राम जी बहुत स्वागत है आपका, पूछिए। साहब ग्वारगम के लिए कल की तेजी है या मंदी है और एक हफ्ते के लिए? हाँ देखिए आपने एक हफ्ते के लिए, ठीक है, ग्वार आपकी फेवरेट कमोडिटी है, ग्वार गम में आप जानना चाहते हैं, बताइए बीरेन अनुज जी, ग्वार गम में ये जानना चाहते हैं कि कल के लिए भी तेजी है या मतलब कल के लिए और अगले एक हफ्ते के लिए कैसा माहौल है मार्केट का? देखिए रिट्रेसमेंट के वजह से यहाँ पे गिरावट हुई थी, बट मुझे लगता है कि इस हफ्ते मार्केट रिकवर हो सकता है और कल भी मार्केट तेजी हमें लगता है कि पॉजिटिव साइड में रहेगी और इस हफ्ते भी एक पॉजिटिव नोट पर मार्केट क्लोज होने के हमें लगता है कि यहाँ पर चांस है, और अगर हम टारगेट वाइज भी देखें तो हमें लगता है कि 6400 तक ग्वारगम देखने को मिल सकता है और 4200-4250 तक हमें ग्वार सीड देखने को मिल सकता है, तो बाइंग साइड में हमें लगता है कि दोनों ही कमोडिटी रहनी चाहिए। ओके, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। बीरेन जी आपकी पहली रैपिड फायर कॉल सीपीओ में बाइंग प्रेफर करूंगा 747 के आसपास, टारगेट 766 रहेगा, स्टॉप लॉस 737 रहेगा। ठीक है अनुज जी, आपकी कॉल, पहली कॉल आपकी। हमारी कॉल जिंक में रहेगी, जिंक को खरीदारी करके चले, ऊपर में टारगेट 192 तक देखने को मिल सकता है। और आपकी दूसरी कॉल? हमारी दूसरी कॉल सिल्वर में रहेगी, सिल्वर में बिकवाली करके चले, टारगेट नीचे करीबन 6000 तक देखने को मिल सकता है। चलिए बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका, बीरेन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।